गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज मैं आफ्टरनून से लेके पूरा इवनिंग तक मैं क्या करती हूँ क्या नहीं ये सारे ही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी किचन पे हूँ, तो किचन पे मैं अभी लंच बनाने जा रही हूँ, तो लंच में आज मैं क्या बनाऊंगी आपको भी मैं आज शेयर करूंगी, तो आप देखने के लिए एक्साइटेड हो ना, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस जैसे कि आज ये फ्राइडे, तो फ्राइडे में हम तो नॉर्मली नॉनवेज ही खाते हैं, तो मैं आज बनाऊंगी चिकन एंड एग दम बिरयानी। जैसे कि मैं आज बनाऊंगी बहुत जल्दी जल्दी एंड जल्दी मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में, तो आप भी देखने के लिए एक्साइटेड हो ना। ये देखो ये बच्चे सिर्फ कैमरा को फोकस करने के लिए ही आ जाते हैं और रोने लगते हैं कि मुझे भी कैमरा के सामने लेके जाओ। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो एग एंड दो आलू को ले लिए हैं। ओके तो अभी इसको मैं प्रेशर कुकर में मैं अभी इसको बैठाऊंगी, देन उसके बाद वो तो अभी हो जाएगा एंड मैं दूसरे साइड में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मतलब एक को बॉईल करने के लिए भी डाल दिए हैं एंड दूसरे साइड में अभी पाम्पलेट है, ये पाम्पलेट को मैं अभी कट करके उसको भी मैं अभी फ्राई करूंगी। सो फ्रेंड्स ऐसे ही पम्पलेट को ना कट करने में क्या होगा कि जितना भी मसाला है वो अच्छे से अंदर तक जाएगा एंड पम्पलेट जो है अंदर तक भी बहुत अच्छे से फ्राई होगा, बॉयल भी हो जाएगा, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट भी लगेगा। एंड जैसे कि उसके ऊपर मैं अभी मसाला का जो सारे है उसको भी डाल दिया हूँ, सॉल्ट डाला स्वाद के हिसाब से एंड उसके बाद हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर एंड हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, आपके हिसाब से डालना जो भी जितना भी आपको ज़रूरत है। एंड उसके बाद मैं अभी डाल दूँगी ये है चिकन मसाला, हाफ टेबल स्पून चिकन मसाला एंड ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून करीब ही डाल दिया हूँ एंड उसके ऊपर मैं अभी डाल दूँगी दही एंड आप लेमन भी डाल सकते हैं एंड कर्ड भी डाल सकते हैं एंड उसके ऊपर मैं अभी यहाँ पे डाल दिया है 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, ताकि थोड़ा क्रिस्पी लगेगा एंड खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। एंड उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल को भी डाल दिया हूँ, ताकि मैं जब मतलब पम्पलेट को फ्राई करूँगी ना उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगेगा एंड बहुत अच्छे से ये मतलब बॉयल भी होगा, थोड़ा क्रिस्पी भी बनेगा, तो इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल को भी डाल दिए हैं। आप चाहे तो ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं अच्छे से मसाला को ऐसे मिक्स करके जो पाम्पलेट है उसके अंदर भी मैं मसाला को मतलब लेती हूँ, ताकि मसाला जो है अंदर तक भी जाए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे पैन को गरम कर लिए है एंड मस्टर्ड ऑयल में ही मैं इसको फ्राई करूँगी, देन उसके ऊपर अभी मैं डाल दिया हूँ सारे मसाला एंड पम्पलेट को भी एंड दूसरे साइड भी मेरा जो मैंने बैठाया था प्रेशर कुकर में अंडा और आलू, ये दोनों भी मेरा बॉईल अच्छे से हो गया है। इसको मैं अच्छे से क्लीन करके ये सारे को ही मैं मसाला के साथ मैरिनेट करके रखूँगी बिरयानी के लिए। यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिए हैं 1/2 टेबल स्पून एंड जैसे कि स्वाद के हिसाब से ही आपको डालना है। देन उसके बाद सारे जो मसाला है हल्दी पाउडर रेड चिली पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर चिकन मसाला ये सारे ही डालना है एंड ये जो पम्पलेट है ये भी मैंने स्लो करके उसको भी बैठा मतलब फ्राई होने के लिए छोड़ दिया हूँ एंड उसके बाद दही डाल दिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं, सारे अच्छे से मसाला को मतलब ऐसे ही मैंने मैरिनेट करके रख दिया हूँ। देन उसके बाद ओनियन को मैं अभी फ्राई करूँगी, ओनियन को भी कट करके मैंने बड़ा साइज़ का 2 ही ओनियन लिया हूँ, उसको मैं अच्छे से मतलब फ्राई करूँगी क्योंकि बिरयानी में लेयर देने के लिए मुझे चाहिए था फ्राई वाला ऑनियन। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर भी कट कर लूँगी, ये थोड़ा ना डिफरेंट स्टाइल में मैं आज बनाऊँगी, मतलब बहुत जल्दी भी ये हो जाएगा एंड बहुत टेस्टी भी ये बनेगा।
जैसे कि हम बनाते हैं ना नॉर्मली एक मतलब ये पे ऑयल मतलब क्या राइस बनाते हैं, और एक दूसरे पे चिकन या जो भी सारे मैरिनेट करना हुआ मतलब चीज़ को हम फ्राई करते हैं। ये सारे करने में ना क्या होता है ना, बर्तन बहुत ज़्यादा ही होता है, बट यही एक ही बर्तन में एक ही प्रेशर कुकर में हम सब कुछ ही करेंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे प्रेशर कुकर को भी बैठाने के लिए छोड़ दिया हूँ, एंड वो भी गर्म अभी हो गया है। गर्म होने के बाद मैं ऑयल डाल दिया हूँ। ऑयल के ऊपर जितना भी खड़ा मसाला है, दालचीनी, तेज़पत्ता, सूखा मिर्ची, जो भी सारे हैं सारे को मैंने डाल दिया हूँ। एंड उसके बाद मैं ऑनियन भी डाल दिया हूँ एंड टमाटर भी डाल दिया हूँ। ऑनियन एंड टमाटर बहुत अच्छे से वो गल जाएगा मतलब फ्राई होने के बाद ही। मैं यहाँ पे एक मसाला बनाती हूँ, ये स्पेशल मसाला है। मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ ना, इसको डालती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। ये जो मसाला में मैंने डाला, पुदीना पत्ता एंड धनिया पत्ता, एंड उसके ऊपर थोड़ा सा जीरा धनिया मतलब होल वाला जीरा धनिया, देन उसके ऊपर मैंने डाल दिया हूँ रेड जो क्या ग्रीन चिली एंड 2 क्लोव्स गार्लिक। ओके, तो उसके बाद मैं सारे जो पेस्ट को उसको भी डाल दिया हूँ। एंड उसके ऊपर मैं जितना भी मैरिनेट करना हुआ मतलब था ना मेरा, ये सारे को भी मैंने डाल दिया हूँ। एंड उसके ऊपर मैं और मसाला को ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे डाल दिए थे। एंड उसके ऊपर मैं अभी राइस को अच्छे से मतलब वाश करके भी डाल दिया हूँ। एंड उसके ऊपर मैं दही को भी डाल दूँगी ताकि बहुत अच्छे से एक फ्लेवर आएगा। एंड उसके ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा, एंड जो फ्राई हुआ था ना ऑनियन उसको भी मैं डाल दिया हूँ। एंड मैंने अभी डाल दिया हूँ पानी। पानी जैसे कि मैंने चावल 2 मतलब ग्लास लिए थे, छोटा छोटा ग्लास में मेरा मेजरमेंट के वाइज, तो उसके उस हिसाब से ही मैंने 4 मतलब पानी लिया हूँ, 3 या 4 इसमें ही हो जाएगा उतना में। एंड उसके ऊपर मैं नमक डाल दिया हूँ, एंड थोड़ा सा एक टुकड़ा लेमन, एंड उसके ऊपर थोड़ा सा घी एंड पुदीना पत्ता एंड धनिया पत्ता, ये सारे को ही डाल के मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिए थे। एंड ये देखिए मेरा फाइनल जो है मतलब बिरयानी जो है बन गया है, एंड ये पम्पलेट भी मेरा बन गया था। सो गाइस, कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।